एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को सलाह दी है कि जब वो किसी दूसरे विषय के बारे में बोले तो उस दौरान सावधानी जरूर बरतें। शरद पवार की ये प्रतिक्रिया किसान आंदोलन को लेकर सचिन तेंदुलकर के ट्वीट के बाद आई है। बता दें कि पॉप स्टार रिहाना और साथ ही कई लोगों के द्वारा, कई विदेशी हस्तियों के द्वारा भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया गया था। इसके बाद भारत की भी कई जानी मानी हस्तियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी कड़ी में सचिन ने ट्वीट करते हुए कहा था कि भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता है, बाहरी ताकतें दर्शक हो रही हैं और लेकिन प्रतिभागी नहीं है। भारतीय जो है इस चीज को लेकर उन्होंने कहा था कि विरोध जो जरूर देखने को मिल रहा है क्योंकि विदेशी ताकतों का जोर यहां पर जरूर पड़ रहा है और तमाम तरह के ट्वीट भी उनके द्वारा किए गए, जिसके बाद कहीं ना कहीं विवाद जरूर खड़े हो गए, सवाल इस पर जरूर खड़े होने लगे। और इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर को सलाह दी है कि जब वो किसी दूसरे विषय के बारे में बोले तो उस दौरान सावधानी जरूर बरतें। तो ट्वीट भी आपको शरद पवार का इस दौरान हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो उन्होंने जो उनके द्वारा बात कही गई है। ट्वीट हम आपको सचिन तेंदुलकर का दिखा रहे हैं जो उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा था। और इस खबर पर हमारे साथ आप नेता द्विजेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 पर। धन्यवाद ईशानी। सर सबसे पहले आपसे हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सचिन तेंदुलकर ने जो किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया उसके बाद विवाद जरूर खड़ा हो गया है, सवालों के घेरे पे उन्हें भी लिया जा रहा है और उन्हें लेकर भी प्रतिक्रिया दी जा रही है, आप कैसे उनके इस पूरे ट्वीट को देखते हैं? मेरी राय है और हम ये मानते हैं कि केंद्र सरकार जो है किसान आंदोलन को दबाने कुचलने के लिए जी, जो भी प्रयास हो सकते हैं वो कर रही है और इस तरह से जो है इधर उधर से जो बयान दिलवाने की कोशिश की जाती है जी, तो ये अपने आप में सबूत है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे का हल नहीं ढूंढ पा रही है जी, और अब वो विदेश में किसी ने कुछ कह दिया उसको मुद्दा बना रही है जी, बजाय इसके कि उसको मुद्दा बनाए उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे ठंड में ठिठिरते हुए किसानों को समझाया जाए या उनके साथ एक रास्ता निकाला जाए ताकि किसानों का भला हो सके और यह आंदोलन जो है अपने सही मार्ग पर चलते हुए समाप्त हो सके और काला कानून वापस लेकर इस आंदोलन को समाप्त किया जा सके। तो बजाय इन चीजों के, इन फालतू की चीजों में केंद्र सरकार लोगों को कह रही है, लोगों पर दबाव डाल रही है। अब कैसे दबाव डाल रही है ये तो हम यहाँ बैठकर नहीं कह सकते, लेकिन हमें ये लगता है कि केंद्र सरकार इस तरह के हथकंडे अपना रही है और बेवजह की ऐसी कोशिश कर रही है जिससे ऐसा लगे कि सारा देश जो है इस आंदोलन के खिलाफ है, ऐसा आभास प्रकट करने की केंद्र सरकार की कोशिश है जी। बिल्कुल द्विजेंद्र जी, और इसके साथ ही अगर हम आपसे जानना चाहें, क्योंकि अब शरद पवार की भी प्रतिक्रिया इसमें आई है, कई जगहों पर देखा जा रहा है कि जो सचिन की ओर से ट्वीट किया गया उसका बहुत बड़े पैमाने में समर्थन हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो भारत की कई जानी मानी हस्तियां ऐसी हैं जिनके द्वारा भारतीय खिलाड़ियों के, भारतीय एक्टर्स के द्वारा जो ट्वीट किए गए हैं उनका विरोध भी जरूर किया जा रहा है द्विजेंद्र जी। हाँ देखिए, ऐसा है कि अभी ब्लैक लाइव्स मैटर का ही उदाहरण लें, सारे लोगों ने उस पर ट्वीट किए, सारे लोगों ने उसका उस आंदोलन का समर्थन किया, तो वो तो अमेरिका का अंदरूनी मामला था, तो क्या हम उसका विरोध करें? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे मुद्दों पर चाहे देश हो चाहे विदेश हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग अपनी राय रख सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं। हमारे लोगों ने भी बाकायदा ट्वीट करके जो है और वहां की पुलिस के मुखालफत की थी, उनका विरोध किया था जी। तो क्या उसे हम गलत कहेंगे? तो अगर ग्रेटा थुनबर्ग
ने कुछ कह दिया, रिहाना ने कुछ कह दिया, तो उसमें हमें इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाना? जी बिल्कुल द्विजेंद्र, इस बीच एक बात ये भी निकल कर सामने आती है, जब पॉप स्टार रिहाना ट्वीट करती हैं तो उनके ट्वीट का समर्थन जरूर देश में किया जाता है, लेकिन अगर देश का कोई व्यक्ति, देश की कोई जानी मानी हस्ती इस आंदोलन को लेकर ट्वीट करती है तो उसका विरोध बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जी मैं यही कह रहा हूँ कि कोई कुछ, कोई भी सेलिब्रिटी हो या आम आदमी हो, अगर कोई एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जी किसानों के साथ अगर कोई बयान जारी होता है तो मुझे लगता है चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, उसे उसका समर्थन करना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। जी बहुत धन्यवाद द्विजेंद्र जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, इस पर हर एक क्षेत्र के लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे रहे हैं, विदेशों से प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई, विदेशी हस्तियों के द्वारा किसान आंदोलन को लेकर बातें कही गई, जिसके बाद भारत में देखा गया कि दो गुट में देश बंटता हुआ कहीं नजर आया। एक गुट ऐसा है जो लगातार विदेशी हस्तियों का समर्थन कर रहा है, लेकिन एक गुट ऐसा भी है जो विदेशी हस्तियों के इसमें इन्वॉल्वमेंट को लगातार विरोध भी इसका करता जा रहा है। तो बता दें कि इसी बीच जिस तरह से भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर जो है उनकी ओर से इसमें प्रतिक्रिया सामने आई थी, इसके बाद विरोध उनकी प्रतिक्रिया का भी लगातार किया जा रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राम कदम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 पर, आपका आवाज मिल पा रही है सर मेरी? बोले जी बोले। राम जी, किसान आंदोलन को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया इस बीच जरूर निकल कर सामने आई, विदेशी हस्तियों का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूर देखने को मिला, और साथ ही भारत की भी जानी मानी हस्तियां इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। आप कैसे इन दोनों ही चीजों को देखते हैं, विदेशों से इस पर प्रतिक्रिया आना, साथ ही अब भारत में भी जो मामला तूल पकड़ चुका है, लगातार ट्वीट वॉर चल रहा है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस पूरे विषय को लेकर के मैं तीन बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूंगा। प्रथम बिंदु यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के बाद पहली बार देश के किसानों को उनकी फसल वो कहाँ बेचे, किसे बेचे, किस दाम में बेचे, और जो बिचौलिया है उनके बगैर कैसे बेचे, इसकी आजादी देने वाला ये कानून है। और इस कानून को लेकर के यदि किसी को आपत्ति है तो उसके लिए सरकार उनसे चर्चा करके उनका समाधान करने के लिए भी सरकार तैयार है। 11 बार अलग अलग लोगों से चर्चा बड़े मंत्रियों ने, केंद्र के मंत्री ने की, ये पहली प्रथम बात। और समूचे देश में यदि आप देखो तो केवल पंजाब के कुछ और हरियाणा के कुछ लोगों को इसे आपत्ति है। 27 राज्य है देश में और 9 जो केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी जगहों पर इस कानून का लोगों ने स्वागत ही किया है। अब बारी आती है कि विदेश में बैठ करके हमारे देश को बदनाम करने का जो षड्यंत्र, जो सामने बातें आ रही कि किसने 18 करोड़ रुपया लिया, किसने क्या दिया, तो एक योजनाबद्ध षड्यंत्र है हमारे देश को बदनाम करने का। ऐसे स्थिति में अलग अलग दलों की अलग अलग विचारधारा है, हम अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई समझ सकते हैं, पर जब देश की बारी आती है तो देश में दल के ऊपर उठ करके हमारा देश प्रथम, यह मानसिकता होनी चाहिए सबकी। विदेश के लोग हम पर टूट पड़ेंगे तो ऐसे समय पर यदि सचिन तेंदुलकर जैसा एक प्रतिभावान खिलाड़ी अगर देश के प्रति, देश के हक में बोलता है तो गलत क्या है? क्या सचिन ने बोलना नहीं चाहिए? सचिन ने समूचे देश ने बोलना चाहिए। ये तो दुर्भाग्य है कि कांग्रेस दल के कुछ नेता और विपक्ष के कुछ नेता इस समय भी सियासत कर रहे। सियासत के लिए अन्य मुद्दे मिलेंगे, अन्य विषय मिलेंगे, उस पर जरूर करें सियासत, पर जब विषय देश का आता है, मां भारती का आता है, उस वतन का, उस मुल्क का आता है जिस मिट्टी में हम बड़े होते हैं, जो मिट्टी हमें सब कुछ देती है, उस मिट्टी को यदि षड्यंत्र के तहत विदेश से कोई बदनाम करता है, बदनाम करने का दुस्साहस करता है जी, तो उस पर समर्थन कैसे हो सकता है? तो इस यह कारण कुछ किसानों को आपत्ति होगी, सरकार जरूर चर्चा करेगी, चर्चा करके उनका समाधान करेगी जी। पर किसानों के आड़ में जो मोदी जी के कारण 6 वर्षों में भारत की एक अलग छवि पूरे विश्व में उभरी है, उस छवि को कहीं ना कहीं मलिन करने का दुष्कर्म विदेश के लोग कर रहे हैं। और बुरा और दुख इस बात का होता है कि इस मुल्क में, इस मुल्क का खाने वाले लोग अपनी छोटी ओछी राजनीति के लिए उन लोगों का साथ दे रहे हैं।
जी बहुत धन्यवाद राम कदम जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो किसानों के आंदोलन को लेकर लगातार अलग अलग पक्षों की प्रतिक्रिया जरूर निकलकर सामने आई है, लेकिन इसी बीच आंदोलन अब भी लगातार जारी है।